वेलकम बैक टू चैनल, एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ, और साथ में है वाईटी आर्यन ब्लॉग। तो आज हम लोग निकले हैं पटना मेट्रो का अपडेट देने के लिए। फिलहाल अपडेट देंगे बिगड़ापुर के साइड से। तो अभी हम लोग हैं फिलहाल बाईपास पे और बिगड़ापुर के पास हैं, तो इधर देखते हैं कि इधर क्या काम जो पटना मेट्रो का चल रहा है, काफी स्पीड में काम चल रहा है, तो आपको हम अभी दिखाते हैं। और ये देखिए बड़ा बड़ा क्रेन भाई साहब लगा हुआ है एकदम, सारे मेंबर्स लोग जो है वो अपने काम में पूरा व्यस्त है। ये देखिए यहाँ पे एक पिलर भी बन के रेडी है, ये देखिए ये पिलर भी बन के रेडी है, सब पिलर का ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है। और ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं रामकृष्णा नगर से पहले बिगड़ापुर रोड के साइड का, और यहाँ पे भी पिलर का काम जो चल रहा है वो भयंकर रूप से जो है वो चलाया जा रहा है। पटना मेट्रो का काम, पिलरिंग का काम फिलहाल चल रहा है बिगड़ापुर के साइड, और काफ़ी स्पीड में काम चल रहा है क्योंकि लक्ष्य जो है वो बहुत करीब है। 2024 का लक्ष्य था, 2019 में पास हुआ था, लेकिन 5 सालों में कितना काम होता है आप लोगों को तो पता ही है। लेकिन बेसिकली जो काम है वो भूतनाथ में है, वो शायद आपको अगला वीडियो में देखने को मिले। और काम जो है वो इधर भयंकर रूप से हो रहा है, इधर बस बोर्ड घेर दिया गया है, बोर्ड के उस साइड रामकृष्णा नगर के पास कुछ नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है आपका बिगड़ापुर के पास जो है वो काम आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी दमदार वाला काम बिगड़ापुर के साइड। तो अभी और आगे बढ़ते हैं जगनपुरा के साइड और चांगर के साइड, और देखते हैं कि उधर जो है वो क्या काम हो रहा है। तो फिलहाल है गाइज चांगर के साइड, और चांगर के साइड भी देखिए कि पटना मेट्रो का बोर्ड लगा हुआ है, बट बोर्ड के अंदर जो है वो कोई काम नहीं चल रहा है। फिलहाल जो भी काम चल रहा है आपको बिगड़ापुर के साइड काम देखने को मिला, पिलरिंग का काम जिसको कह रहे थे, और बाकी इधर जो है वो इधर आपको कोई काम देखने को नहीं मिला है बोर्ड के साइड, बोर्ड के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा है इधर। अभी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आगे जो है वो क्या काम जो चल रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको काम का अपडेट जो है वो देखते हुए मिलते हुए रहेगा। देखिए इधर बस बोर्ड लग गया है पटना मेट्रो का, मतलब कि आने वाले कुछ दिनों में इधर भी काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उधर नाली है तो शायद पूरा भर दिया जाए, उसके बाद उसमें पिलरिंग का काम किया जाए, क्योंकि नाली में तो पिलरिंग का काम होगा नहीं, तो शायद मिट्टी फिलिंग का पहले काम होगा, उसके बाद ही उसके बाद पिलरिंग का काम होगा। तो कई कई जगहों पर मिट्टी फिलिंग का भी काम जो है वो चल रहा है। फिलहाल शिवम कॉन्वेंट स्कूल के पास है, और इधर भी देखिए कि किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा मिट्टी भरा जा रहा है, फिर इसके बाद भी इधर बोर्ड घेर दिया जाएगा, उसके बाद उसके अंदर जो है पिलरिंग का काम होगा। और आगे बढ़ते हैं 90 फीट के साथ, इधर तो कोई काम नहीं दिख रहा है, 90 फीट से आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं काम। तो अपडेट देते देते गाइज आ गए हैं खेमनी चक के पास जगनपुरा से आगे, और इधर देखिए कि मेट्रो का पिलर का काम कितना भयानक रूप से हो रहा है। बैक टू बैक लगभग 20 पिलर मेरे को यहाँ से दिख रहा है, नेकेड आई से 20 पिलर आराम से दिख रहा है, और सब में पिलर का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये जो पाइल कैप होता है उसका भी फॉर्मेशन हो चुका है, बस बचा हुआ है पायर कैप का फॉर्मेशन, जिसको टी शेप वाला फॉर्मेशन बोलते हैं, वो वाला फॉर्मेशन। तो बाकी आप पिलर देखिए कि कितना भयंकर रूप से बना हुआ है, और पायर कैप इसमें भी कुछ दिनों में लग जाएगा जिस तरह से भूतनाथ वाले रोड में लगा हुआ है। और बैक टू बैक देखिए पिलर कितना है। अभी और आगे चलते हैं और आपको चलते हुए मूविंग डायरेक्शन में दिखाते हैं आपको कि क्या काम हो रहा है आगे खेमनी चक की तरफ। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट जो है यहाँ पे चल रहा है, पिलर बनाने की योजना जो है यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी पिलर बनाने का काम हो रहा है। शायद ये पिलर नहीं कुछ और ही बन रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा है कुछ काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक बड़ा सा पिलर है खड़ा, आपको दिख रहा होगा कुतुब मीनार के जैसा लंबा ऊँचा, और यहाँ पे भी एक कुछ बनाया जा रहा है अंडरग्राउंड या फिर कुछ और हो। अभी और आगे चलते हैं और आगे आपको चल के दिखाते हैं। देखिए आगे हैं खेमनी चक से आगे, और इधर भी आपको पूरा बोर्ड जो है वो नज़र आने वाला है, पटना मेट्रो का बोर्ड, जिस तरीके से हर जगह आपको पटना मेट्रो का बोर्ड जो है वो देखने को मिलता है। और इधर भी देखिए कि पिलर जो है वो कई कई जगहों पे बन के रेडी है, गैप करके पिलर बना हुआ है यहाँ पे देखिए कि। और एक बात आपको बता दें गाइस कि खेमनी चक में जो है वो मेट्रो का एक स्टेशन होने वाला है गाइस, पटना मेट्रो का एक स्टेशन जो है वो खेमनी चक में बनेगा, और स्टेशन वाला पिलर जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, आपको बता दिए थे पहले ही। तो इधर देखिए कि स्क्वायर शेप का बहुत सारा पिलर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इधर जो है खेमनी चक एक मेट्रो स्टेशन जो है वो बनने वाला है। ये देखिए इसी पिलर का मैं बात कर रहा था, ये स्क्वायर शेप का पिलर है, आपको हर जगह पे गोल वाला पिलर दिखता होगा, ये स्क्वायर शेप है, वो स्क्वायर शेप है, उसके आगे भी स्क्वायर शेप है, और इधर भी स्क्वायर शेप। इधर अपना आर्यन अपना अपडेट दे रहा है। तो स्क्वायर शेप जहाँ आपको दिखे समझ जाइए कुछ स्टेशन का वर्क जो है इधर होने वाला है। तो खेमनी चक के पास है और इधर स्टेशन का वर्क होने वाला है। अभी और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कितना काम आगे तक हो रहा है। ये इधर भी स्क्वायर वाला पिलर है, पर
कंफर्म नहीं बोल सकते कि स्टेशन का पिलर है या फिर कुछ और पिलर है, और साइड में आपको नाली दिख रहा होगा, उधर से बादशाही पैन वाला जो नहर है वो आ रहा है, तो इधर भी बड़ा बड़ा नाली जो है वो बनाने का पहले फॉर्मेशन हुआ, नाली पहले बन गया तो उसके बाद मेट्रो का काम जो है वो लगाया गया। ये अभी हैं हम लोग पतंजलि स्टोर यानी कि ज्ञान गंगा के पास, और इधर भी देखिए कि काम जो है वो चल रहा है पिलरिंग का। वैसे पिलरिंग का काम सिर्फ यहाँ तक आपको दिखेगा, ये एक छोटा सा पिलर स्टेशन का पिलर या फिर कुछ और का पता नहीं, इसके बाद एक पिलर और बनाया जा रहा है वहाँ पे, सनवाट जो मशीन लगा हुआ है वो मशीन जो है वो पिलरिंग का काम कर रहा है। एक्चुअली ब्लू वाला जो मशीन आप देख रहे हैं बड़ा वाला, ये पिलरिंग का मशीन है, ये पिलर बनाता है बेसिकली, तो वहाँ पे एक पिलर बनाया जा रहा है और शायद एक बीच में यहाँ पे पिलर बनने का ट्राई किया जाए, मतलब कि शायद बने, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। तो अभी और आगे चलते हैं और देखते हैं कि और आगे जो है वो क्या काम हो रहा है। तो अब देखिए उस साइड से आ गए हैं इस साइड, पहले हम थे मतलब कि बाईपास के जाते समय में मतलब कि उधर से आ रहे थे तो अपने राइट साइड में, लेकिन अब लेफ्ट साइड में आ गए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेट्रो उधर से इधर आ जाएगा, जी हाँ, खेमनी चक के बाद मेट्रो जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, मतलब बाईपास के ऊपर से जो है वो क्रॉस कर जाएगा खेमनी चक के पास, इसका ये इंटरचेंज वाला सेक्शन बनाया जाएगा, खेमनी चक से राइट में था और उसके बाद आपका लेफ्ट में आ जाएगा और भूतनाथ होते हुए पाटलिपुत्रा बस स्टैंड जाएगा। तो फिलहाल है इधर, इधर देखिए कि मिट्टी फिलिंग का काम चल रहा है और आगे में बड़ा मशीन लगा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, अलग काम कर रहा होगा। अभी और आगे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं कि उधर क्या काम हो रहा है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ये काम चल रहा है, खेमनी चक से आगे बढ़े हैं और एक भैया सामने से आ रहे हैं, तो यही काम चल रहा है इधर पे, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं है, तो वीडियो को जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट कीजिए कहाँ का अपडेट चाहिए। चैलेंज हो चुका है, चैलेंज है और डेली 40 दिन तक वीडियो डालेंगे, पर डे आपको वीडियो मिलेगा 40 दिन तक, तो सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरे को 10 मार्च आते आते जो है वो 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, और कैसे कैसे रास्तों से गुजर रहे हैं देखिए आप लोग के लिए बस, तो 10 मार्च आते आते 10,000 सब्सक्राइबर जो है वो मुझे कंप्लीट करना है, तो सपोर्ट कीजिएगा गाइस, सपोर्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।